वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल, वी आर अनदर वीडियो। जी, जैसा कि हम फिल्मोरा कोर्स लेके चल रहे हैं, तो पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में हमने सीखा था कि हम फिल्मोरा प्रोजेक्ट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हम क्या सेटिंग रखेंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट। फिल्मोरा में हम हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वीडियो की यानी कि एनिमेशन, उसकी क्लियरेंस, उसकी वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसको हम मज़ीद बेहतर, मज़ीद अच्छी तरह से किस तरह दिखा सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए शेख साइंस। तो हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ से मैं कोई भी रैंडमली एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये मैंने एक वीडियो सिलेक्ट की है, ये इसको मैं आप ओपन करके, ये एक वीडियो है जी। अब इसको हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना। ये आपने क्लिक कर दिया, ये देखें आपके पास जो है ऑप्शंस आ रहे हैं। MP4 में आपने वीडियो एक्सपोर्ट करनी है, WMV में करनी है, AVI में करनी है, मूवी में करनी है, F4V में करने है। ये जो सारे हैं ना स्टैंडर्ड्स, ये हो चुके हैं पुराने। अब जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड चल रहा है वो MP4 का है, MP4 जिसे कह सकते हैं आप। तो बात हो रही थी हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, इसके सामने सेटिंग है, आपने यहाँ सेटिंग पर जाना है। यहाँ पे आपके पास क्वालिटी, तीन किस्म की क्वालिटीज़ हैं, बेस्ट, बेटर, गुड। मैं आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट पे है इनकोडर H264, रेजोल्यूशन है 1920x1080 और फ्रेम रेट है 25, बिट रेट है 10,000 KB/s। अभी आपको बिट रेट के बारे में समझाऊंगा। बाकी ये ऑडियो आपने कोई छेड़नी नहीं, ऑडियो कभी भी आपने नहीं छेड़नी एक्सपोर्ट सेटिंग की, वो अपने हिसाब से सही सेटिंग हुई होती है। यह आपको बेटर का ऑप्शन दिखाता हूँ, ये है जी H264, इसकी भी रेजोल्यूशन सेम है, फ्रेम रेट सेम है, बिट रेट जो है यहाँ पे 8,000 KB/s है। और यहाँ पे हम गुड के ऑप्शन पे आते हैं, तो गुड के ऑप्शन पे आप देखेंगे कि यहाँ भी सब कुछ सेम है सेटिंग, लेकिन ये यहाँ पे बिट रेट जो हमें मिल रहा है वो 6,000 KB/s है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी को हम किस तरह सही और अच्छा दिखा सकते हैं, मज़ीद बेहतर से बेहतर। आपने तो सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी को चूज़ करना है वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि हमें ना सबसे ज़्यादा जो है ना क्वालिटी को हाई करने के लिए वो बिट रेट चाहिए होते हैं। जितने ज़्यादा बिट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो क्लियर होगी। तो ये मैंने यहाँ 10,000 पर सेट की हुई है, लेकिन आप यहाँ से आप एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको सेटिंग नज़र आ जाएगी बिट रेट भी, कि 2,000 KB/s पे करना है, 20,000 करना है, 30,000 करना है, 80 और 1 लाख भी है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाऊँगा कि जैसे ही आप 10,000 KB/s है ना, जैसे ही आप 15,000 KB/s भी क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से मैं ओके करता हूँ, ये आपकी जो है ना साइज़ वीडियो का, वो बढ़ता जाएगा। जिस तरह आप बिट रेट बढ़ाते जाएंगे आपकी वीडियो का MB साइज़ वो GB में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप 1 लाख यानी कि 80,000 बिट रेट पे सेट करते हैं तो उस हिसाब से आपके MB या जो है गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये आपके बढ़ते जाएंगे। अब मैंने 15,000 पे सेट किया तो 19
मेगाबाइट आए हैं मेरे पास। मैं दोबारा सेटिंग पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 10,000 पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फिर आप फाइल का साइज़ देखिएगा, वीडियो का साइज़, ये देखें, यही आपका 12.7 MB हो गया, यानी कि तकरीबन जो है 6.5 MB जो है आपके गिरे बिट रेट सिलेक्ट करने से। तो इस तरह से आप बेटर क्वालिटी दे सकते हैं वीडियो में बिट रेट को बढ़ा के। तो आज के टॉपिक का हमारा ये मकसद है कि मैं आपको बताऊं हाई क्वालिटी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, इस तरह आप परफॉर्म करें और आप बेटर क्वालिटी दिखा सकते हैं। बिट रेट को आपने हमेशा ज़्यादा रखना है और अपने ज़हन में ये ज़रूर बात रखनी है कि बिट रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो फाइल का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है।